से आपको पता है, आप ना बहुत अच्छे इंसान हो, आपका ना कोई भी फायदा उठा सकता है, पता है आपको? जी। कैसे पता है? जी वो मेरी माँ भी यही कहती। फिर ना आपकी मम्मी जी की और मेरी बहुत पटेगी जी। पर पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट ये था कि ये सब ना आपने मेरे लिए किया है। नहीं साहिबा जी, ये सब मैं आपके लिए नहीं, इसमें मेरी भी तो खुद गर्जी है। खुद गर्जी मतलब? मतलब लंदन जी, मुझे भी तो लंदन आना था, फिर मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, आपने मुझे मेरी टिकट खरीद के दी, आपने भी तो मेरे लिए इतना कुछ किया, आप ना जी भूल जाते हो। नहीं ऐसा नहीं है। जैसा भी हो, अब अगर आप नहीं मानोगे ना तो जी मैं भी नहीं मानूंगा। बात खत्म करें और प्लीज अब आप दोबारा मत रोना। नहीं रो, तो ठीक है जी, अब मैं आपको भिंडी की सब्जी बनाकर खिलाता हूँ। पापा जी, कितना झूठ बोल रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। कल से ना गुरुद्वारे में आके रोज सेवा करूंगी, पक्का। पुत्र जी क्या कर रहे हो? सत श्री अकाल अंकल जी, आप ना यहाँ मत आना, नहीं तो ना। लगी तो नहीं? नहीं जी। सब ठीक है ना? जी, आपको बचाने के चक्कर में ना मैं खुद ही गिर गई जी। आजा। आई। आजा पुत्र, आजा बैठ जा। लगता है बाबा जी ना बड़े नाराज है जी मुझसे। बाबा जी तेरी जैसी बच्ची से नाराज हो ही नहीं सकते। आपको पता है मैं ना सिर्फ देखने में ही भोली हूँ ना, बहुत ज्यादा तेज। और जो सेवा मैं कर रही हूँ ना अंकल जी, ये भी ना अपने सेल्फिश मकसद के लिए कर रही हूँ। मेरी लाइफ में ना इतनी गड़बड़ है कि मैंने ना डर लगता है कि बाबा जी ना अगर मुझसे नाराज हो गए तो पता नहीं और क्या कर देंगे जी मेरे साथ। अच्छा, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ वैसे। अच्छा छड्डो, एक सीक्रेट बताऊँ आपको? आप किसी को बताओगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं ना बहुत झूठ बोलती हूँ जी। ओ। बुरी बात है ना। बस इसीलिए ना डर के मारे फर्श धो रही हूँ, क्या पता फर्श धो धो के चमकाने से मेरे एक दो झूठ माफ कर दे बाबा जी। पता नहीं पुत्र, उसके यहाँ वही जाने। पर एक बात तो तूने पते की है कि हम सब सेल्फिश हैं, ये जो सेवा है, अच्छे काम है, कुछ भी नहीं। बाबा जी के दरबार में हम कुछ ना कुछ मांगने जरूर आते हैं, ये बात तूने बिल्कुल पते की है। अब तुमको मैं भी एक अपना सीक्रेट बताऊं? बताइए। किसी को बताओगे तो नहीं? पक्का, प्रॉमिस, किसी को भी नहीं। ओके। मैं यहाँ गुरुद्वारे पता किस लिए आता हूँ? किस लिए? कि मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत डर लगता है, हर पल हर मिनट यही सोचता हूँ कि वो ठीक हो, बाबा जी उसे सद्बुद्धि दें, बाबा जी मेरी सुन लें और मेरी बेटी की हिफाजत करें। Hey! You! Get up! Don't let her get away this time! Wait! जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ।
जैसे लड़के तो लड़कियां टच करना चाहते हैं, तेरे जैसी लड़कियां तो हट परे चिपकना। तो जा, तो जाना। Listen, this is my मजबूरी, okay? Otherwise I hate you and your गंदी बदबू। ठीक है, अब इतनी बदबू आ रही तो ले हट जाता हूँ। No, don't. क्या बता, ये तेरे यार कौन है? It's none of your business. Just keep out of it. यार तू कमाल करती है यार। एक बार तेरे चक्कर में पिट चुका हूँ। दूसरी बार पूरी तैयारी है। पर तू करी नहीं ये बिजनेस। Shut up. ओ जज्जी भी, गुड मॉर्निंग। घूर रहा है तू वहां पे? पहले ही तू लेट आया है, चल ना कपड़े बदल। ओ यही आ रहा था यार, और रास्ते इसने गोरी बिल्ली रास्ता काट गई मेरा। अबे हिंदुस्तान नहीं है ये, लंदन है, यहाँ जानवर खुले में नहीं घूमते। चल कपड़े बदल ले। मुहावरा था यार, यहाँ कोई मेरे मुहावरे क्यों नहीं समझता यार? हाँ भाई, सारी समझ तो ऊपर वाले ने तुझे दे दी है। पहले ही डस्टबिन से टशन लेके बैठा है, अब ये नया मैनेजर आया उसे भी घूरे जा रहा है। मैं क्यों उसकी लाइफ में एंट्री कर रहा है यार, छोड़ ना। ओ उसे नहीं घूर रहा हूँ, वो जिस जगह पे खड़ा है ना उसे घूर रहा हूँ, और वहां पे ना मुझे होना चाहिए था। भाई वो उसकी किस्मत में था, उसे मिल गया है। उसका चाचा ना यहाँ टैक्सी चलाता है, और उसके दोस्त ने मुझे बताया कि वो यहाँ हनीमून वीजा पे आया है। वर्क वीजा भी नहीं है उसके पास यार। कुछ तो गड़बड़ है बेटे, तेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। किसी का खून करवाना चाह रहा है तू मुझसे? खून खराबा तो आपा वैसे नहीं करते, आपा तो सारी प्रॉब्लम ना मुंह से सॉल्व कर लेता। तेरे को भी ना बस मुंह ही खोलना है जाके। किसके आगे मुंह खोलना है? पुलिस के सामने। पुलिस? यहाँ की पुलिस? अरे पागल है क्या तू? ओ यार बल्ली, मेरे को पता था क्या लेफ्ट लेते ना पुलिस आना है, और दो मिनट लगने तेरे को पहुंचने में, चले जाना यार। यहाँ पे हजारों लोग रोज इलीगल वीजा पे आते हैं, और फिर सालों की तपस्या के बाद उन्हें यहाँ पे सिटीजनशिप मिलती है। यार वो सब हमारे गांव पिंड के लोग हैं यार, और अपने गांव पिंड के लोगों के साथ कोई इस तरह करता है क्या यार रणवीर? ओ लेकिन मैं जानता हूँ तू अपने दोस्त को भीख देने के लिए कुछ भी करेगा, और तू मेरी मदद जरूर करेगा। मैं छोड़ना, मेरे पीछे क्यों पड़ गया? तू ही तो है सही गलत बताने वाला मेरे को, और अभी तेरे सामने गलत हो रहा है, तू खड़ा खड़ा देखता रहेगा? यार मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। और तू सोच ले, अगर तूने मेरा काम किया ना तो तेरी शिफ्ट का काम भी ना मैं कर लूंगा। मैं नहीं यार, मेरे पैसे भी तू ले लेना मेरी शिफ्ट के भी, और जब तू नहीं गया है ना बेटा तो याद रखी, इतना दूंगा ना 4 दिन तक ना काम पे नहीं आएगा तू। बस साला जब देखो नौटंकी करता रहता है। हेलो पकड़। तेरी तो आ गया बंदर का चमचा। लेकिन यार आज में इसको देख के बड़ी हंसी आ रही है। थोड़ी देर की बात है बेटे, और फिर मैं ना खुल के हंसने वाला हूँ, तू रोएगा। वे क्यों तू? गुड। ओ हेलो जी, हाउ डू डू जी? जी हाँ जी हाँ जी, आप भी बोल रहा हूँ। मैं ठीक हूँ जी, हाउ आर यू? ओ जी मैं तो बड़ा चंगा हूँ, तो बतेरी कुछ नहीं बिखर रही है खुशी अंदर से। अच्छा जी, कोई गुड न्यूज आई गांव से? ओ नहीं जी, गांव में कहा बात था मुझे। द फोन कॉल फॉर यू फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम गेज को कासा। इंडिया से करतार जी? हेलो। ओ दलजीत पुत्र, ओ मैं करतार। हाँ जी मामा जी, वो पाउच की तबीयत कैसी है? आपको तो पता है ना कि
पावजी के ऑपरेशन के लिए कितने पैसे लगने? हाँ जी, मैं अपने पूरे महीने की तनख्वाह भेज दूंगा तो जाके इस महीने ऑपरेशन होगा। आप ना बस ऊपर वाले से प्रार्थना करना कि ऑपरेशन अच्छे से हो जाए और जिस काम के लिए मैं आया हूँ ना वो काम अच्छे से हो जाए बस। यार की कितना रणवीर है, तेरे कमीनेपन तक तो ठीक था लेकिन इस बेचारे को नौकरी से निकलवाते थे तू तो पक्का हरामी बन जाऊंगा यार। तो क्या करूं, तो कैसे ठीक करूं अपना किया स्यापा? क्या? हाँ हाँ, उसका बाप वो लंदन आने के चक्कर में फिर रहा है। आईपीसी की पहुंची लंदन आ रही। हेलो, तू इस लड़की को बता देना, अलर्ट कर देना, ठीक है ना? हाँ जी, समझा दूंगा। साहिबा जी के पहुंची यहाँ आना चाहते हैं, मतलब वो साहिबा जी को ले जाएंगे? Excuse me? कौन है यार? रणबीर इधर आ। वो बल्ली यार, वो क्या किया तूने? अबे खड़ूस, मेरे बारे में पूछ तो नहीं रहा था? और दे पूछ रहा था, तूने क्या किया पहले ये बताना। अबे चूतू, जो तूने बोला था वो कर दिया ना। पुलिस स्टेशन गया था, वहां पे सब कुछ बता के आ गया। मैंने बताया एक बंदा हमारे यहाँ काम कर रहा है बिना वर्क परमिट के, अभी आ रहे होंगे देखियो। वो जो अंदर आया वर्दी वाला वही तो नहीं है? हाँ भी गया। अब हिंदुस्तान में तो सारे कर्म हो जाते तब भी नहीं आते, क्या मुझसे पहले मामे आ गए? इसको करेंगे रिपोर्ट, अब देखियो। बोले पे गया स्यापा यार। थैंक यू सो मच सर। यस सर। मुझे तुम पर और तुम्हारी वाइफ पर हमेशा से शक था, लगता शक सही था। मिस्टर दलजीत सिंह, तुम यहाँ हनीमून विजिट पर हो, वर्क विजिट पर नहीं, राइट? ओ तू जा, जा जा, थैंक यू। हाँ, ओ जा चने का बीज जाके जा, हो गया तेरा काम, हो गया जा। यू वांट बाय समथिंग? व्हाट वर यू डूइंग बिहाइंड द कैश काउंटर? ओ जी, ही कजन फ्रॉम पंजाब, हियर हनीमून। ओ जी, अंग्रेजी थोड़ी बैड, हिंदी च गल करूं? ओ जी, वो क्या हो गया, मेरा फोन आ गया था थोड़ी देर के लिए, खड़ा कर गया, उसको इतनी सी गल है जी बस। लेकिन कैश काउंटर के पीछे? हाँ जी, तो क्यों होया? वो फोन बड़ा इम्पोर्टेंट था ना, और रश बड़ा था जी दुकान में, और वैसे भी बड़ा चंगा बंदा है जी, ईमानदार है एकदम, और यहाँ पे तो वैसे भी सभी जानते हैं इसको। बल्ली जानता नहीं तू इसको? देखा जी, कोई गल ही नहीं है, सब चंगा है। और तुम्हें कुछ खरीदना है भाजी? जी कोई गल नहीं जी, अपनी दुकान है, कभी भी आ जाया करो। ओ अभी जरा एक मिनट के लिए ये पासे आ जाओ जी, वो कस्टमर है ना पीछे, बिल निकलवाना है, तुसी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मौज करो, एकदम खड़े रहो चौड़े में, कोई दिक्कत नहीं है जी। I will be seeing you soon. रॉनी जी, थैंक यू सो मच। कर ले काम कर ले अपना, और जल्दी से ना अपना वर्क परमिट बनवा लियो, नहीं नौकरी चले जानी है आज से। रॉनी जी, आपने जो किया ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब चल मिट्टी के माधो, यही ढेर होना है तेने, चल। तू पागल है, चलो जी, भाई गिरधि कृपा है, आप अस्पताल से घर आ गए। पुत्र निहाल, डॉक्टर ने कहा है वो इलाज जारी रखना चाहिए, टेम से इलाज होगा ना तो अभी इनकी तबीयत संभल जाएगी, और उसके बाद में फिर ऑपरेशन के बारे में सोचेंगे। बबलीन पुत्र जा, तू जाके आराम कर ले, थक गई है ना। ओ माँ बाबूजी से कहना शामी आ रही हूँ, मैं बात करनी है जी। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। देखिया कि मैं लाल हो गई सी। बंदरिया जैसी। चुप। चिट्टी।
चाची जी चिट्ठी आई है। अब मैं देख दिया। पापा जी तुसी चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाना है। किसकी है? दलजीत सिंह की। किसकी है पुत्र? पता नहीं, दलजीत की चिट्ठी है। कोर्ट से? हरप्पा कोर्ट से? दलजीत के वास्ते? पर खोल के पढ़ तो। लेनी दस मैरिज सर्टिफिकेट, दलजीत ने ब्याह कर लिया। की कह रही है? की बकवास कर रही है तू? ला दे मेनू दे। हाँ आप पढ़ लीजिए जी, और देखिए तो क्या लिखा हुआ है इसमें। सुखी तो बकवास करी जा रही है पाक। सुखी सही कह रही वीरा, दलजीत का मैरिज सर्टिफिकेट, दलजीत ने ब्याह कर लिता सानू बिना दसे। अंग्रेजी फिश एंड चिप ना बड़े बेस्वाद होते हैं, तो आज तो ना वो माँ के हाथ की गर्मा गर्म परोठे खाने को जी कर रहा है यार। हाय 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 हाय, एक बात बताऊं तुझे, जब गांव में रहा होगा ना, एक बार नहीं बोला होगा तूने माँ को कि माँ क्या परोठे बनाए, और आज तुझे माँ की याद आ रही है और माँ के परोठे भी याद आ रहे हैं तुझे। रेंडे यार सड़ मत अब। और तू दलजीत नु जानदा है? उसके बाप का ऑपरेशन ना होता ना तो मैंने कभी ना करना था ये, और उसकी मदद कर दी है ना, इसका मतलब ये नहीं मेरा जिगरी हो गया है वो, उसके लिए ना मैं अब भी रानी हूँ। और वैसे भी देख मैंने सोचा ये इसकी मैनेजर की नौकरी से मैं बड़ा आदमी बनने से रहा, तो मेरे को तो मिस्टर पाल के सामने हीरो बनना है। एक वही बंदा है जो मेरे को ना एकदम टॉप पे पहुंचा सकता है, तभी तो घर जाके माँ पापा जी के सामने खड़ा होके बोल सकूंगा कि होने चलो साहिबा दे घर, ने उसके हाथ ने उसके पैर ने पूरी साहिबा मंगे लाउंदे। यार इतने दिन हो गए साहिबा से ना गल ही नहीं हो रही है, रोज फोन करता हूँ लेकिन फोन मिलता ही नहीं, पता नहीं कैसी होगी। उसकी बेबे तो पहले मेरे खून की प्यासी थी, अब तो ना पूरी ड्रैकुला बन चुकी है। हो तेरी, ये सही है बेटा, शाम को ना बिन्नी को फोन करूंगा। हो गया तेरा? अब एक बात बताता हूँ यार, मैं तुझे बड़ा आदमी तो बना नहीं सकता, लेकिन हाँ तुझे बड़े आदमियों की जगह पे भेज जरूर सकता हूँ। पार्ट टाइम जॉब करेगा? पार्ट टाइम? ये जो पास में पब है यहाँ पे शाम को पार्ट टाइम जॉब मिलती है वेटर की, बोल करेगा तो बता। उससे ये यार, वहां तो बड़े बड़े आदमी आते होंगे, अमीर लोग आते होंगे, जान पहचान बढ़ेगी। शाम को चलते हैं। रानी जी मैं यहाँ बैठ जाऊं? कौन सा मेरे बाप की जगह है, बैठ जा। रानी जी थैंक यू सो मच, अगर आज आप मेरी हेल्प नहीं करते ना तो मुझे तो लगता है मुझे पक्का रिपोर्ट ही कराते थे। अब तू ना आता तो मैं स्टोर मैनेजर होता। जी आपने कुछ कहा? ना जी ना, कुछ खाना खाओ आराम ना। चल वीरे मैं पानी लेके आता हूँ। ओ ना जी ना, ओ थैंक यू। ओ वो आपा ना थोड़ा वो इंग्लिश किस्म के हैं, फिश एंड चिप्स वाले। मैं थोड़ा देसी हूँ जी, वही दाल चावल सब्जी रोटी। ओए पराठे, ओए रन रोनी, अबे यार कुछ और मांगा होता ना आज मिल गया होता, तेरा बड़ा दिल कर रहा था ना पराठे खाने का। बकवास ना कर, खाना खा ले बैठ के, काम पड़ा है बहुत। यार मैं ना पानी लेके आता हूँ, बली जी आप आइए ना खाइए। हाँ क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल खाएंगे जनाब बिल्कुल। अरे यार आया बड़ा परोठे। क्या परोठा है यार, मजा आ गया। मुझे पता है ये इसके बारे में मुझे सही सही जानकारी कौन देगा। सुखी तू मेरे नाल चल, हमें चंडीगढ़ जाके
करतार प्राजी से बात करनी होगी। ठीक है मम्मी जी, लेकिन ऐ सोच सोच के सुखी जा रही है कि पता नहीं केहो जी कुड़ी नाल व्याह कर लेता उन्हें दलजीत ने। चलो जी रब से।